अब उसको बोल देना एसडीओ को और कुछ ना करे, ब्रह्मा जी मैं ये ऑर्डर यहीं से सेटिसफाइड कर दूंगा, मैं यहीं से सेटिसफाइड कर दूंगा, भले ही मैं गलत करूंगा नहीं, लेकिन अभी मैं यहाँ से सब सेटिसफाइड कर आप दूंगा। देखिए आपने क्या स्टे किया है उसको और बोले ऑर्डर कि क्या था। कुछ भी ना करे, आप कर सकते हो कर सकते कह सकते हो तो कह दो, और आप इसको उनको बता दो पांडे जी को, तो उसकी हाजिरी करा दूंगा मैं परसों नरसों जब भी। जी ज्यादा अकल नहीं लगाए वो, सर स्टे तो क्या हाई है कोर्ट के सामने मुकदमा चल रहा है और अपने अकल का इस्तेमाल ना करे। सर, उसमें आप ये देख लें, आपसे कमिश्नर स्टे का बोल रहे ऑर्डर, आप रहने दीजिए, एसडीओ ने हाथ क्यों रखा मुकदमे पे, कमिश्नर का ऑर्डर स्टे चलो किया कोई आपने। बात नहीं। 145 से मुझे बड़ी चिढ़ है, ये फर्जीवाड़ा होता है इसमें सारा का सारा, वो भी कोर्ट में मुकदमा आ गया उसके बाद हाथ कैसे रख दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट के तीन तीन बेंचेस के सारे डिसीजन बेकार कर देता है वो। बोलना है फाइल को बंद कर दे पूरी तरह से, नाड़ा बांध के। आवेदन यह है कि ऑन मालोट 10/8/23 दिस ऑनरेबल कोर्ट वॉज प्लीज टू स्टेट दी मालोट इम्प्यून ऑर्डर, है ना, स्टे है। क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद क्या हुआ, इनने सिविल सूट फाइल कर दिया, उसकी मैंने ऑर्डर शीट भी लगाई। इसके बाद इनने 145 की एसडीओ के यहाँ भी एक एप्लीकेशन दे दी, एसडीओ ने स्टे कर दिया उस पर। आप देखें जरा, हमें रेस्टेंड कर दिया। सिविल आप सूट चल रहा है, सिविल सूट चल रहा है सर, आईए का सिविल सूट इनक्वायरी आईए टू ले देखिए अगर सेंटेंस बोल तो ले रहे, तो एक सर। सिविल सूट कब पेश हुआ? ये सर मैंने पेश किया, मेरी आईए देखें साहब, ये पेश मैं किया आइए देखूं, मैं आपको देख तो रहा जी हूं, सर, आपको ये सुन रहा हूं, जी सर, ये इनने पेश किया तारीख बताइए। जी सर, ये पेश किया है 29/8/23 को, और तो 145 कब लगाई? 145 इन्हें लगाई है, इसका ऑर्डर है 24/6/24 का मैंने क्या पूछा आपसे? ये सर, 24 में ही लगाई है क्योंकि केस नंबर भी 24 का है। तो का सिविल सूट के बाद इनने ये यू फाइल एप्लीकेशन बिफोर द एसडीएम, वो सर, हमने एस डी एम, ये क्या इन द लाइट ऑफ पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट यू हैव नो ज्यूरिडिक्शन इन द अरे लाइट ऑफ राम सुमेरपुरी केस, यू सर फाइल सर एप्लीकेशन, वो तो मैं आपको ठीक लिबर्टी दे देता हूं। सर, वहाँ मेरा निवेदन ये है, आफ्टर द इंटरिम ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट हाउ एसडीओ मालोट एंटरटेन द एप्लीकेशन। मैं इस केस के अंदर एसडीओ की प्रोसीडिंग खत्म कर सकता हूं क्या? सर एसडीओ ने तो ये कंटेम्प्टुअस है, वंस मालोट आई हैव इन्फॉर्म द एसडीओ अब मैटर आपका पेंडिंग क्या बिफोर होगा द इस समय? कोर्ट। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को खत्म कर दिया उसने। सर अब इससे तो खत्म ही कर दिया, आप देख लें सर, आईए टू देख लें जरा, ऑर्डर मैंने अब पेश किया, आपको क्या नुकसान हो रहा है ये तो बताइए। उसने रेस्टेन कर दिया कि हम वहां पे नहीं जाएंगे इनको। आप 145 में ये स्कोप ही नहीं है कि रेस्टेन कर दिया ना देखें कर ना दिया। सर, आप देखें तो सर, मैंने मैंने ऑर्डर शीट फाइल की एसडीओ की, एसडीओ को हाजिर करा लेते हैं। उसको सर हाजिर करा। अगर ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है सर, वी आर नॉट नहीं, 100% एसडीओ ज्यादा श्योर, समझदार है, कहाँ कहाँ है बताओ कौन है? ये सर हमें छतरपुर है कोई ऑर्डर था तो सर, इसके इसका साथ रिवीजन रिवीजन लगना का है कोई ऑर्डर सर। बताइए। अरे जब सर हाई कोर्ट का ऑर्डर सामने आ गया तो उसके बाद उसने किया ये कैसे? हाई पहले कोर्ट ने क्या स्टे किया ये तो देख लो आई एसडीओ का ऑर्डर बताइए। जी सर, आईए टू मान लो एसडीओ मत बोलो, एसडीएम एस डी बोलो। एम सर, सॉरी आई सॉरी, एस डी एम 145 में तो एस एसडीएम डी ही एम होता रहेगा, है वो पहले जी, ही एसडीओ। हाँ कौन सा पेज है? ये पेज 27 सारा फालतू काम ही करते रहते हैं। पेज नंबर 27, पेज 27 नंबर 27 पे तो अपील अंतर्गत धारा नहीं चला सर, गया है। आईए है ना मेरी, आईए पेश किए मैंने, जैसे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट आई हैव फाइल्ड आईए। सर आईए की तारीख सर, आईए हमें तो मिली नहीं, कौन सी आईए आपने को पेश किया, पढ़ो इसको, 17 जुलाई को पढ़ो। आवेदक करोरा जगतराज रामस्वरूप पुत्रगण सोहनसु वगैरह निवासी ग्राम हमा जिला छतरपुर न्यायालय में पेश होकर आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि भूमि खसरा नंबर इतना इतना एरिया इतना इतना स्थित मौजा हमा बंदोबस्त सर्किल सौरा में वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदक गण के नाम दर्ज है, जिस पर आवेदक गणों का शांतिपूर्ण आधिपत्य है, किंतु दिनांक ये चौबीस पक्का छह लिखा है कि हाईकोर्ट का आदेश या सिविल कोर्ट, इसको पक्का पता था? नहीं, ये तो सर हमने पेश किया उसके पास, हमने इसमें कहाँ लिखा है? ये कैसे पता लगेगा कि एसडीओ वाज अवेयर, एसडीएम वाज अवेयर अबाउट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स? वो सर मेरे पास बाद में आई एप्लीकेशन, यू गो एंड फाइल एप्लीकेशन, फिर देखें वो क्या करता दैट है। हैज बीन फाइल्ड मालोट इवन देन मेरा यू साहब, फाइल एप्लीकेशन फॉर फॉर कैन आई फॉर ड्रॉपिंग ऑफ दिस प्रोसीडिंग, वो सर पेश कर दिए मैं वो कर दिया है एप्लीकेशन, तो उसको जो है उसको ऑर्डर अप्लाई कराइए। इसको सर लंच के बाद रख ले, वो मैं पेश कर दिए, मैं तो अभी आपको क्या चाहिए आज? सर ये मुझे सर तो ये आपके चाहिए, कंप्लेंट पे जिसकी ये मैं ये रिप्लाई भी कर दे जाएंगे मैं तो मुझे सर सर ये कॉपी चाहिए कि तक नहीं हमारे पास।
क्या ऑर्डर चाहिए आपको? दिस पर्सन में बी कॉल्ड माय लॉर्ड, आई हैव इन्फॉर्म। कहता मेरे को इस केस में क्या ज्यूरिसडिक्शन है? सर ज्यूरिसडिक्शन आपके पास है, आप सो मोटो कंटेंट प्रोसीडिंग भी इशू कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगे तो कि ऐसा कुछ हुआ, ऑर्डर से नहीं दिख रहा। मैं सर इसको सर 230 पे रख ले, फाइल एप्लीकेशन सर फाइल कर दिया। सर आप एक चीज बताएं, यहाँ से क्या चाहिए? यहाँ से स्टे चाहिए, यहाँ रिलीफ चाहिए, बोलो ना। यहाँ से सर रिलीफ ये चाहिए कि ऑर्डर स्टे है, हम कब्जे में है, एसडीओ है। अब आपको आज क्या चाहिए? आज सर ये चाहिए कि हो गया आपको ये ऑर्डर, और क्या इसका स्कोप क्या है? ये तो हमारे खिलाफ चला गया। खिलाफ चला गया तो थोड़े दिन रुके रहो, नेक्स्ट वीक की तो बोल रहे हैं वो। और इसकी कॉपी तो दे दें सर, क्या पेज कर रहे हैं? कॉपी तो सर ये नहीं, कॉपी पे बहस कर रहे हैं इसमें सर। इसमें सर एक चीज है, इंटरनेट काउंसिल आपने कॉपी नहीं दी इसकी? नहीं दी है सर, बिना उसके सर पेज पर सही नहीं। सीनियर एडवोकेट को भी आप ये बोलोगे कि वो सर सीनियर एडवोकेट को नहीं देते वो, अब जो भी इसमें सर रिसीविंग बताइए, असत्य बोल रहे हैं ये तो नहीं माना जा सकता। सर बिना उसके सर पेश नहीं होती है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, बिना उसके तो सर पेश। दिलीप दीक्षित लिखा है, अनूप सक्सेना एडवोकेट हमारे अटॉर्नी। वो सर उसमें पावर देख लें आप सर, इसमें बहुत से रेस्पोंडेंट हैं, आप देखिए तो अभी सभी तो सर्व तक नहीं हो, इनको दे दो। मैं सर आपको भी दे देता हूँ, बाकी सर कॉपी तो बिना दिए पेश नहीं होता है। अरे भाई बहुत से रेस्पोंडेंट हैं, अनूप सक्सेना को दे दीजिए, दूसरों के लिए अपीयर हो रहे हैं, हम तो यहाँ पे 10 के लिए अपीयर हो रहे हैं, आप हमें तो दोगे कि नहीं? देखो एज प्रेड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट लिस्ट इन द नेक्स्ट वीक। सर ट्यूजडे कर दें टॉप ऑफ द लिस्ट, आज बड़ी मुश्किल से सब लगा है मेरे, ट्यूजडे टॉप ऑफ द लिस्ट कर दें सर। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कॉपी मिलेगी हमें सर, ये भाई दें सर, मेरा निवेदन ये है। इट इज फॉर द डायरेक्ट, वो पिटिशनर इज कहना, पिटिशनर इज डायरेक्टेड, लिखिएगा इट इज फॉर द डायरेक्टेड दैट द पिटिशनर शैल सप्लाई कॉपी ऑफ application within bracket IA 10/917/24 during course of the day respondent to the council appearing for the respondent number 10। नहीं सर बहुत से सर, आप किसके लिए हाजिर हो रहे हो? बहुत से सर, 9, 12, 21, 22, 23, 24 नाम लिख दीजिए श्री वर्मा जी, during the course of the day as per list on it may be Tuesday at top of the list sir। सारे बोलिए, थोड़ा टाइम दीजिए सर, थर्सडे कर बोलाना आप, थर्सडे कर दे सर, थर्सडे नेक्स्ट वीक में थर्सडे कर दीजिए एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। थर्सडे 15 का है सर, तो वो वेंसडे कर दीजिए जी, सर वेडनेसडे कर दो, 3 दिन का टाइम है, वेडनेसडे कर दो, कॉपी दे। अब उसको बोल देना एसडीओ को और कुछ ना करे वर्मा जी, मैं ये ऑर्डर यहीं से सेटिस्फाइड कर दूंगा। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर मैं यहीं से सेटिसफाइड कर दूंगा, भले ही मैं गलत करूंगा। नहीं नहीं अभी आप यहां से सब सेटिसफाइड कर दूंगा। आप देखिए आपने क्या स्टे किया है और ऑर्डर क्या था, कुछ भी ना करे, आप कर सकते हो कर सकते कह सकते हो तो कह दो, और आपको इसको उनको बता दो पांडे जी को, उसकी हाजिरी करा दूंगा मैं परसों और समझो, ज्यादा अकल नहीं लगाए वो सर। स्टे क्या है, हाईकोर्ट के सामने मुकदमा चल रहा है और अपने अकल का इस्तेमाल ना करे सर। उसमें आप ये देख लें कमिश्नर का ऑर्डर, आप रहने दीजिए, एसडीओ ने हाथ क्यों रखा में, कमिश्नर का ऑर्डर स्टे किया आपने। नेक्स्ट 145 से मुझे बड़ी चिढ़ है, ये फर्जी वाला होता है इसमें सारा का सारा, वो भी कोर्ट में मुकदमा आ गया उसके बाद हाथ कैसे रख दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट के 3-3 बेंचेस के सारे डिसीजन बेकार कर देता है वो, कर सकते हैं तो फिर उसको उनको बताइए मिस्टर एसडीओ को ये फोन लगाएंगे, अभी जाकर फोन लगवाना, बोलना है उनका फाइल को बंद कर दे पूरी तरह से, नाड़ा बांध के कॉपी में अभी भेज।